हमारे YouTube चैनल उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में। दोस्तों, मसाले वाली फसलों के अगले टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं अगली फसल की, धनिया। बात चल रही थी अपने मसाले वाली फसलों की, कल अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था जीरा, आज अपन बात करेंगे धनिया की, कोरिएंडर। किसकी बात करेंगे? धनिया की। दोस्तों सबसे पहले धनिया की बात करते हैं, अपना आता है वानस्पतिक नाम। धनिया का वानस्पतिक नाम, उसके बाद पूछा जाता है धनिया का कुल, और लास्ट में अपन बात करेंगे उत्पत्ति स्थान की। आखिर जो अपन बात करेंगे वो उत्पत्ति स्थान की। तो दोस्तों धनिया का जो वानस्पतिक नाम है वो है कोरिएंडरम सेटाइवम, कोरिएंडरम सेटाइवम। धनिया का वानस्पतिक नाम है कोरिएंडरम सेटाइवम। कुल की बात करते हैं तो दोस्तों इसका कुल है अंबेली फेरी। कुल कौन सा है? अंबेली फेरी। बात करते हैं अपन इसके उत्पत्ति स्थान की, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, नोट कर लीजिए। धनिया वानस्पतिक नाम कोरिएंडरम सेटाइवम, कुल अंबेली फेरी। अंबेली फेरी को कल जैसे मैंने जीरे में आपको बताया था क्या कहते हैं, एपीएससी, क्या कहा जाता है, एपीएससी भी आता है कई जगह। नेक्स्ट इसका उत्पत्ति स्थान, दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र या मेडिटेरियन क्षेत्र, क्या बोलते हैं इसको, मेडिटेरियन क्षेत्र। नोट कर लीजिए। आगे अपन इसके बारे में बात करते हैं धनिया के बारे में। धनिया में तेल की मात्रा, धनिया में तेल की मात्रा, तो दोस्तों धनिया में जो तेल की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 0.3% तेल की मात्रा। कितना पाया जाता है? 0.3%। धनिया में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.3%। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों धनिया के दानों में, धनिया के दानों में क्या पाया जाता है? धनिया के दानों में दोस्तों, धनिया के दानों में लिनोनील व कोंड्रियाल नामक वाष्पशील तेल पाया जाता है। कौन सा? लिनोलीन। लिनोनील व कोंड्रियाल, धनिया के दानों में लिनोनील व कोंड्रियाल नामक तेल पाया जाता है, और ये कौन सा तेल होता है? वाष्पशील तेल। दोस्तों जिसमें वाष्पशील तेल पाया जाता है उसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है। किसमें? सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन में भी इन जो धनिया जीरा ये ऐसी फसलें हैं इनका उपयोग किया जाता है, जिसमें वाष्पशील तेल पाया जाता है उनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कार्यों में भी किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें धनिया की जो पत्तियां होती है, इनकी पत्तियों में क्या पाया जाता है? धनिया की पत्तियों में विटामिन ए पाया जाता है। दोस्तों धनिया की पत्तियों में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। बात करें इसके उत्पादन की, नेक्स्ट अपन बात करेंगे उत्पादन की, तो दोस्तों उत्पादन भारत में, दोस्तों भारत में राजस्थान,
धनिया उत्पादन में राजस्थान राज्य प्रथम स्थान पर है। अगर अपन बात करें राजस्थान में, तो दोस्तों राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? हाड़ौती क्षेत्र, कोटा व बूंदी। राजस्थान में जो अग्रणी जिले हैं वो कौन से हैं? हाड़ौती क्षेत्र के कोटा व बूंदी जिले। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन बात करें अपन यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो अग्रणी जिला कौन सा है? झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से धनिया उत्पादन में जो अग्रणी जिला है वो है झालावाड़। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात करते हैं अपन, तो कौन से आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र, कोटा व बूंदी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि धनिया स्व परागित फसल है या पर परागित है। तो दोस्तों धनिया पर परागित फसल है। कौन सी है? पर परागित फसल है, और इसमें मधुमक्खियों द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों द्वारा। धनिये की फसल में मधुमक्खियों द्वारा परागण होता है। यह है पर परागित फसल है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र, कोटा और बूंदी अग्रणी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन बात करते हैं तो झालावाड़ जिला प्रथम स्थान पर है। अब बात करते हैं अपन धनिये की प्रमुख किस्मों के बारे में। प्रमुख किस्मों के बारे में बात कर रहे थे, प्रमुख किस्मों की। तो दोस्तों धनिये की जो प्रमुख किस्में हैं वो हैं साधना, गुजरात धनिया फर्स्ट, RCR 41। इसके बाद अपन बात करते हैं RCR 336 की, RCR 436, RCR 435, 435। इसके बाद अपन अगर बात करते हैं तो बरानी क्षेत्र हेतु प्रयुक्त जो किस्म है वो कौन सी है? RCR 20। बरानी क्षेत्र हेतु प्रयुक्त धनिये की किस्म RCR 20। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पूसा सिलेक्शन 360, पूसा सिलेक्शन 360, राजेंद्र, स्वाति, जीसी फर्स्ट, सीओ फर्स्ट, सीओ सेकंड और सीओ थर्ड। इसके आगे अगर अपन बात करते हैं UD 20, UD 20 सिंचित व असिंचित क्षेत्र हेतु प्रयुक्त किस्म कौन सी है? UD 20, UD 20। नेक्स्ट अपन बात करते हैं CS 6 स्वाति, CS 6 या स्वाति, यह किस्म पाउडरी मिल्ड्यू रोग प्रतिरोधी किस्म है। किसके प्रतिरोधी है? यह किस्म पाउडरी मिल्ड्यू रोग प्रतिरोधी किस्म है। और इसमें तेल की जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 0.6%। तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.6% तेल की मात्रा पाई जाती है CS6 किस्म में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं CS4 साधना की, यह किस्म असिंचित क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। कहाँ, किसके लिए उपयुक्त है? असिंचित क्षेत्रों हेतु। नेक्स्ट अपन अगर इसमें बात करते हैं तो ये किस्म कहां से विकसित की गई? गंटूर आंध्र प्रदेश से है। कहां से? यह किस्म गंटूर आंध्र प्रदेश। कहां से विकसित की गई है? गंटूर आंध्र प्रदेश से। और जो ये RCR 20 है ये की गई है SKRAU द्वारा। कहां से की गई है? SKRAU द्वारा विकसित की गई है RCR 20, बरानी क्षेत्रों हेतु प्रयुक्त किस्म। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बीज दर की, इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बीज दर की, धनिये के लिए कितने बीज दर की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर में। तो दोस्तों धनिये के लिए 15 से 20 किलोग्राम, किसकी बात कर रहे थे अपन?
सीड रेट बीज दर की कितना चाहिए, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है धनिये की फसल की बुआई के लिए, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। और इसकी बुआई कब करते हैं, सोविंग टाइम अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर माह में इसकी बुआई की जाती है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें आर इंटू आर, रो से रो की दूरी कितनी रखी जाती है, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बीज की गहराई की, तो दोस्तों बीज की गहराई जो रखी जाती है वो रखी जाती है 3 से 4 सेंटीमीटर की, 3 से 4 सेमी गहरा बीज बोया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके मुख्य रोग की, तो दोस्तों मसाले वाली फसलों में मोस्टली जो रोग है वो समान ही है, इसका भी जो मुख्य रोग है वो कौन सा है, छाछा रोग। कौन सा है, छाछा रोग, इसके बारे में अपन ने पिछली फसल जीरे में पढ़ा था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें उर्वरक की, नेक्स्ट अपन इसमें बात करेंगे उर्वरक की, तो दोस्तों उर्वरक जो है वो जीरे की फसल में और धनिये की फसल में समान नहीं रखे जाते हैं। जो धनिये की फसल है उसमें उर्वरक रखा जाता है 40:30:0 से 10 आवश्यकता अनुसार पोटास का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसका इस्तेमाल अपन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। अगली बात करेंगे अपन धनिये में मुख्य कीट की, धनिये के मुख्य कीट की, तो दोस्तों धनिये का जो मुख्य कीट है वो है तेला या जिसे कहते हैं चेपा। कौन सा है, तेला या चेपा। अगली बात करेंगे अपन उपज की, तो दोस्तों धनिये की जो उपज है वो होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी पैदावार होती है धनिये की, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसी के साथ मसाले वाली फसलों में दूसरी फसल जो होती है अपनी धनिया वो कंप्लीट होती है। कल अपन बात करेंगे एक नई फसल की। धन्यवाद।